हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं ये आपका रियल इंटरटेनमेंट सोहेब चौधरी की है, और ये जो इनका जो टाइटल है ये है माय फर्स्ट विजिट टू लखनऊ इंडिया वर्चुअली इंडियाज वर्ड्स। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है, उसके बाद में फिर हम रिव्यू करते हैं। अगर आप न्यू है चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जिसे शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एशिया कप इंडिया खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी, न्यूट्रल वैल्यू में होगा। पहली चीज, मन हो तो ठीक है, चॉइस इज योर्स। आप कहते हो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगी, भाई काहे नहीं आओगे? क्योंकि आप क्या करते हो, आप हमसे बोलते हो कि आप आए मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा, आप यही बोलते हो ना? हमारे यहाँ इंडिया में अब हमारे यहाँ इंडिया में भी रवायत चेंज हो गई है। सिक्योरिटी तो कॉम्प्लीमेंट्री है, सिक्योरिटी तो कॉम्प्लीमेंट्री है, जो देनी होती हो देंगे ही देंगे आपको, ठीक है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी आपकी, आपका जो पाकिस्तान है वो हुक्मरान है, वो गारंटी नहीं दे सकते ना, दिक्कत इस बात पे है। सोहेब भाई ये देखिए, ये छोटा इमाम वाला का गेट है जहाँ से मैं इंटर कर रहा हूँ, और आपको दिखाते जा रहा हूँ कि ये तर्कस कैसे हैं। ऐसी बिल्डिंग मुझे पता कि आपके पाकिस्तान में भी है, क्योंकि मुगलों के जमाने की है। मुसलमानों पर इतना जुल्म क्यों हो रहा है इस टाइम, हर जगह ही मुसलमान? हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में, और खास तौर से मैं लखनऊ से हूँ तो मैं लखनऊ की बात करूंगा कि लखनऊ में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत आजाद, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। हमारे लिए कोई ऐसा जुल्म नहीं है हिंदुस्तान में। और हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, जरूरी नहीं इस्लाम से ही ताल्लुक रखते हों, गैर मजहब के भी लोग हैं हमारे साथ में, और बहुत ही ईमानदारी से, बहुत मोहब्बत से हम लोग रहते हैं साथ। जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है हिंदुस्तान में और हमारे यूपी में, तब से हमारे यहाँ दंगा फसाद और ये सब चीजें बहुत कम हुई हैं। और रही बात, देखिए सबसे बड़ी चीज होती है इंसाफ। इरफान भाई, हमारे यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि जब से बीजेपी आई है, जब से नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है, तब से चंद मुसलमानों पे जुल्म बढ़ गया है। हमारे यहाँ पे ये कंसेप्ट दिया जाता है। आप सब कहीं नहीं पाएंगे सोहेब भाई कि बीचों बीच रोड के बीच में अगर मजार बनी है, शायद ये आपके पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा जो हिंदुस्तान में है, कि साइड में रोड है, बीच में मजार को छोड़ दिया गया। क्योंकि हमारे यहाँ हर धर्म की पूजा की जाती है, जो जिस समुदाय का है उसको मानता रहे। आपके यहाँ जितनी विदेशी कंपनियां थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कार, गाड़ी या मोटरसाइकिल जो भी बनाती थी, वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, बिल्कुल वो वापस जा रहे हैं। तब वापस जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? मेरे यहाँ का एक पॉलिसी है कि अगर आप मेरे यहाँ इंडस्ट्री लगाओगे, आपका अगर लॉस भी हो रहा है, तो आपने जो इन्वेस्ट किया वो वापस लेके जाओ, ये गारंटी है। आज के समय में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एशिया का सबसे बड़ा। आप कैसे कहेंगे 5000 बेड, आईपीडी बेड, 5000 मरीज भर्ती होने की क्षमता 24/7 यहाँ पे रहती है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज हम मौजूद हैं लखनऊ में, वर्चुअली मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं यूपी सिंह जो के पैरामेडिकल स्टाफ हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की इनके साथ गुफ्तगू रहेगी मेडिकल के हवाले से। इंडिया इस टाइम कहलवाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड फार्मेसी कहलवाता है, इसी हवाले से बात करेंगे कि क्या वजह है, क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से इंडिया मेडिकल की फील्ड में बहुत तेजी से ग्रो करता जा रहा है, ये थोड़ा सा इस हवाले से गाइड करेंगे। लखनऊ की जो फेमस चीजें हैं, जो प्लेसेस हैं, फेमस प्लेसेस, उसके बारे में बताएंगे। और इसके अलावा एज ए पाकिस्तानी मैं इनसे सवाल करूंगा, एज ए इंडियन वो मेरे से सवाल करेंगे, जो वो करना चाहें। यूपी सिंह भाई हेलो, कैसे हैं आप? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आदाब, सत श्री अकाल। अच्छा, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। मेरा नाम यूपी सिंह है, मैं लखनऊ से ही बिलोंग करता हूँ, क्योंकि साइड मेरा होम डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूपी का सबसे बड़ा जिला है, नो डाउट, ठीक है। मैं बिलोंग करता हूँ, यही जॉब करता हूँ, यही घर, यही फैमिली, यही परिवार मेरा है। आपके तो साथ मुझे अच्छा, आपके साथ जो बैठे हैं वो कौन है, अगर आप उन्हें भी दिखाना चाहें? ये मेरे मित्र हैं, ये पैथोलॉजी चलाते हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, मोहम्मद इरफान खान। मोहम्मद इरफान, अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। भाई कैसे हैं भाई, ठीक हैं आप? जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आप लोगों के। अच्छा, थोड़ा
थोड़ा सा लाइटर नोट पे पहले हम बात को शुरू करते हैं। ये आपको यूपी सिंह भाई ने किडनैप करके तो नहीं बिठाया हुआ, क्योंकि मुसलमानों पे तो बहुत जुल्म होता है ना इंडिया में, तो आपको कहीं किडनैप? नहीं नहीं ये मजाक कर रहा हूँ मैं, मजाक। हेलो जी, मेरा 5G चल रहा जी। हेलो, अच्छा मेरा सवाल ये है, आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। मेरा सवाल ये है, सबसे पहले आप ये बताएं, मैं जिससे भी बात करता हूँ थोड़ा बहुत उससे उसके बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में पूछता हूँ, आपका जो जॉब है क्या उतनी आपकी सैलरी है कि आप अच्छे से गुजारा करते हैं, जैसे मतलब प्राइवेट जॉब है अगर तो? एक्चुअली मेरे अगर आप इंडिया में देखना चाहेंगे तो 70% जो यूथ है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो जॉब के फेवर में है ही नहीं। अच्छा, उसको जॉब से मतलब ही नहीं, उन्हें वो चाहता है करने के लिए, उसको चाहिए खुद का बिजनेस। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा यूपी सिंह भाई, मुझे ये बताएं कि क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से मेडिकल के फील्ड में इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है? आपकी तो ये फील्ड है, आप बता सकते हैं, क्या आपके पास अपने फार्मूलाज अपने हैं या क्या क्या ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि हम लोग साइंटिफिक रीजन पे काम करते हैं, साथ में रिसर्च पे, खासकर रिसर्च जो शायद मुझे नहीं पता कि आप यहाँ होती भी होगी कि नहीं होती होगी। हमारे रिसर्च वैल्यू बहुत ज्यादा कीमत है। जब कोई भी मेडिसिन रिसर्च होके क्वालिफाइड होके बाहर नहीं आएगी, गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी, तब तो मार्केट में क्या कंपनी से बाहर नहीं आएगी, वो बनेगी नहीं। बिल्कुल। अच्छा तो आपके यहाँ क्या है कि वही अब वही है, एक कहावत है ना कि चूरन चटनी खाने वाले, ठीक है। अच्छा मुझे तो चूरन चटनी का जमाना चला गया, अब हाईटेक मॉडल है। मुझे ये बताएं कि आप, जैसा कि हमने खबर में सुना था कि अभी भी पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड अभी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी मेडिसिन इंडिया से पाकिस्तान आ रही है वाया दुबई, दुबई के थ्रू पाकिस्तान मेडिसिन आ रही है, तो आप हमें डायरेक्ट क्यों नहीं मेडिसिन देते? तो ये कमी आपकी है ना, ट्रेड किसने बंद किया? हमने बंद किया? नहीं नहीं वो हमने बंद किया, लेकिन ट्रेड आपके इमरान खान ने बंद किया ना। हाँ हाँ ऐसा ही है, ट्रेड आपके इमरान खान ने बंद किया भाईजान। ठीक है। अच्छा आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान की जो यूथ है और आप इंडिया की यूथ है, डिफरेंस क्या समझते हैं? मतलब कुछ तो सोचते होंगे कि यार पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो इस तरह के नहीं 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 मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। पाकिस्तान की यूथ हो चाहे इंडिया की यूथ हो, ये दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत इंतहा पसंद लोग हैं, आपस में मोहब्बत देते हैं, पैगाम देते हैं, अच्छा रहे। बस जो ये आपके बैठे हैं हुक्मरान, आप मान सकते होंगे ये कमी इन लोगों की है, कोई भी नहीं चाहता। अब वे जंग का दौर नहीं रहा भाईजान, जंग बीत चुकी, वो सदियां गुजर गई हैं जब जंगों में लोग तबाह होते थे। मैन्युफैक्चरिंग की, ब्रॉडकास्टिंग की, इनकी दौड़ है। ये मेरे आज सीट साथ करें मेरे साथ, मैं क्योंकि जब भी इंटरव्यूज करता हूँ, आप मेरी वीडियोस देखते ही होंगे, हम पब्लिक में ही ज्यादातर इंटरव्यू करते हैं, तो आज भी हम बैठे हैं पब्लिक पार्क में, तो ये भाई को पता चला कि मैं इंडिया कॉल कर रहा हूँ, इंडिया के लोगों से बात कर रहा हूँ, तो ये भी आके बैठ गए हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा ऊंची बोलिएगा भाई। हमारे जो स्पोर्ट है, हाँ हाँ हाँ, वो हम मैं मेरी बेस की 5वां पे, हाँ हाँ, हमारी जो वैसे पत्ती है 300, वो दुबई के लिए स्पोर्ट हो गया थी। अब ये डायरेक्ट क्यों नहीं आती, डायरेक्ट क्यों नहीं आती? अच्छा अब वही जो मैंने बोला कि आप हमें मेडिसिन क्यों नहीं देते, ये बोलते हैं आप हमें पत्ती क्यों नहीं देते, दुबई के थ्रू क्यों आती है, बताएं सर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आपसे आज भी कह रहा हूँ कि हम क्या पूरी कौम रेडी, हर जगह रेडी है, व्यापार करें, साथ में रहें, मिलजुल करें। देखिए हम आप कितने सिमिलर हैं, आपका रहना खाना बातचीत लैंग्वेज भाषा वेशभूषा, साथ में शिक्षा भी लगभग में सेम है, अलग है उर्दू जबानी है, आपको बता हो सकता है कि हमारे यहाँ अलग जबानी हो। मैं आपको ये भी बता दूं, पाकिस्तान के लोग जो एक कॉमन पीपल है, जो पब्लिक है नॉर्मल लेवल पे जो है, वो बड़ी मोहब्बत करते हैं इंडिया। ये देखे ना, अब ये गुजर रहे थे, ये पीछे भाई मैं इन्हें बिलीव भी मैं नहीं जानता ये कौन है, लेकिन जब इन्होंने देखा ये भाई बात कर रहे हैं इंडिया से, तो ये भी आ गए हैं इधर मेरे साथ भी खड़े हैं, बहुत लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, फिर पता नहीं क्यों क्या वजह है कि भी दोनों साइड पे सरकारें हैं वो हमें जुड़ने नहीं देती। ये कमी हुक्मरानों की ना,
शायद गलती कुछ की होगी, हुक्मरानों से हुई होगी, कुछ ऐसा तो हुआ कांड। आप देख रहे हैं यूपी सिंह भाई, देख रहे हैं लोग कैसे इकट्ठे हो रहे हैं आपके। मैं देख रहा हूँ आप, मैं देख रहा हूँ आपके पीछे पूरा हुजूम खड़ा है, ऐसे ही अच्छा खासा हुजूम खड़ा है। अच्छा, इनके लिए क्या मैसेज है? मतलब देखें, यहाँ पे हमारे माइंड में कुछ ऐसा है कि इंडिया के लोग शायद हमसे मोहब्बत नहीं करते, नफरत करते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं, तो आप इनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ हाँ, ये भी बात करते हैं आप। बिल्कुल, मैं इनको बताना चाहूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया का कोई भी व्यक्ति, इवन मेरे यहाँ के हुक्मरान भी आपसे नफरत नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि साथ में बैठे मिलजुल के रहें, क्योंकि सबसे अच्छा पड़ोसी आप नहीं पा सकते हो। आप हर चीज का लोगे ना, पड़ोसी कहाँ से लाओगे, कहाँ से निकलेंगे? अफगानिस्तान मेरा दोस्त है, ठीक है, मान लिया, चाइना मेरा है, चाइना मेरा है, लेकिन हम क्या अमेरिका को आपके बगल में ला सकते हैं? नहीं ना, एक सकते ना। आर्मी का जो मेजर सोल्जर जाता है वहाँ पे, तो आप लोग उनके असर क्यों नहीं करते, ये क्या रीजन है, ये हमें इसके मुताबिक बताएं जी। ये इनका सवाल, आपको आवाज आई है भाई? वो कह रहे हैं हम फिर से हमने आपके जो कैप्टन थे अभिनंदन की बात कर रहे हैं, मेजर थे, कैप्टन थे, उनको हमने वापस किया बड़े रिस्पेक्ट के साथ, तो आप हमारे किसी मेजर या कैप्टन को इस तरह रिस्पेक्ट देंगे या देते हैं? उनका ये सवाल है, मेरी तरफ से नहीं, ये एक इनकी तरफ से सवाल है। नहीं 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 नहीं, मैं आपको यहाँ पे मैं भाई को ही जवाब देता हूँ, जो आपके बगल मेरे भाई बैठे हैं, मैं इनको ही जवाब देता हूँ। आपने सम्मान सहित वापस नहीं किया, आपकी मजबूरी थी, कमजोरी थी, इसलिए आपको करना पड़ा, क्योंकि आपसे मेरा वो समझौता पहले से है। कह रहे हैं आपने, हमारे पास भी अगर ऐसा मामला आएगा तो मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। वो कह रहे हैं हमारी मजबूरी थी, पाकिस्तान वालों की मजबूरी थी वापस करना, नहीं तो इंडिया जो है वो ऑपरेशन करता। अमन का पैगाम क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, मजबूरी भी थी, लेकिन फिर भी देखें, अकलमंदाना फैसला था, अच्छा फैसला था, अच्छी डिसीजन थी कि जो हमने वापस किया। अच्छा, आप कुछ आप ये दिखाएं जो आपके साथ भाई है मुसलमान है, ताकि इन्हें मेरे साथ जो लोग हैं उन्हें आइडिया हो के भाई वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई जान। आप अपना नाम बताएं, अपना नाम बताएं, फिर उन्हें आइडिया होगा कि आप कौन हैं। और जी मैं मोहम्मद मोहम्मद इरफान हूँ। मोहम्मद इरफान जी, क्या हाल है सर आपके? जी जी मोहम्मद जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। कोई जुलम शुलम का कुछ पूछें, जो पूछना चाहते हैं आप पूछें, आप पे कोई जुलम होता है उनसे पूछें। वो मुसलमान, मुसलमानों पर इतना जुलम क्यों हो रहा है इस टाइम, हर जगह ही मुसलमान? हिंदुस्तान में और खास तौर से मैं लखनऊ से हूँ, तो मैं लखनऊ की बात करूंगा कि लखनऊ में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बहुत आजाद, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, हमारे लिए कोई ऐसा जुल्म नहीं है हिंदुस्तान में। और हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, जरूरी नहीं इस्लाम से ही ताल्लुक रखते हों, गैर मजहब के भी लोग हैं हमारे साथ में, और बहुत ही ईमानदारी से, बहुत मोहब्बत से हम लोग रहते हैं साथ में। देखिए, जहाँ भी कोई दंगा फसाद या कोई चीज ऐसे होते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ न कुछ चीजें अराजक तत्व लगे होते हैं, लेकिन इससे हमारा भाईचारा नहीं खत्म हो जाता। जो जो कर रहे हैं उसमें दो चार लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसमें इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा और यूपी सिंह के बीच में लड़ाई हो गई या हमारे मोहल्ले के बीच में लड़ाई हो गई, ऐसा नहीं होता है इरफान भाई। फिर हमारे हम लोग बहुत मोहब्बत से रहते हैं। सोचती है, देखें आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछें, जैसे इन्होंने बोला कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, आप इनसे अगर पूछें, ये देखें यहाँ पे भी मेरे साथ भाई मौजूद है, जिससे भी आप पूछ लें वो यही कहेगा जी जुल्म होता है। ये हमारे तक खबर कौन पहुँचाता है? ये हमारा पाकिस्तान का मीडिया, इंडिया का मीडिया, इंटरनेशनल? ये आपके यहाँ जो भी खबर जी इरफान भाई, नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं है। फिलहाल हम तो लोग तो यहाँ रहते हैं, पूरी फैमिली है हमारी, हमारे बीवी है, तीन बच्चे हैं, ठीक है, माँ है, बाप है, सारी चीजें हैं, सब लोग रहते हैं, भाई हैं, लेकिन ऐसा कुछ हम लोगों के नजर में ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन हमारी जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज तक हमने ये नहीं देखा हमारे यहाँ कोई टॉर्चर हो रहा है या कोई परेशान किया जा रहा है, ना गवर्नमेंट की तरफ से और ना कुछ। और जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है हिंदुस्तान में और हमारे यूपी में, तब से हमारे यहाँ दंगा फसाद और ये सब चीजें बहुत कम हुई हैं।
और रही बात देखिए सबसे बड़ी चीज होती है इंसाफ। इरफान भाई हमारे यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि जब से बीजेपी आई है, जब से नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है, तब से चंद मुसलमानों पे जुल्म बढ़ गया है। हमारे यहाँ पे ये कंसेप्ट दिया जाता है, अक्सर ये रिपोर्ट दी जाती है। मैं ये बहुत गलत दिया जाता है। मैं तो ये सीधा कहूंगा, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, देखिए शिक्षा है, जैसे कोविड आई, कोविड में इन्होंने राशन बांटा, हिंदू मुस्लिम नहीं देखा इन्होंने, दवाइयां बांटी हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, इलाज किया, इलाज सबके लिए था, सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल सब में सबका इलाज हुआ, उसमें हिंदू भी गए, मुसलमान भी गए, क्रिश्चियन भी गए, सब जाते थे, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव हुआ। और ये हम लोगों की आंखों देखी, क्योंकि हम लोग मेडिकल फील्ड से हैं, तो हम लोगों ने देखा। इरफान भाई मुझे सॉरी आपकी बात काटी, सॉरी, मुझे ये बताएं कि आप एज ए इंडियन मुस्लिम, एज ए इंडियन सिटीजन, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर को क्या समझते हैं? मतलब आप क्या समझते हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके जो सुपरविजन में इंडिया आगे ग्रो कर रहा है या नहीं, ये इंडिया के मुसलमान क्या सोचते हैं? जी इरफान भाई, देखिए इंडिया के मुसलमान बहुत अच्छा समझ रहा है, क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है, हिंदुस्तान कहीं पीछे नहीं है, हम लोगों की रोजी रोटी में कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं, हम लोग बहुत खुले मिजाज से जी रहे हैं, तो इसलिए मैं मोदी गवर्नमेंट के या मोदी जी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगाऊंगा। हम बहुत अच्छे राज्य में हैं, बहुत अच्छे से जी खा रहे हैं। हाँ, दिक्कतें होती, जब हमारे पेट ना भर रहे होते तो हमको दिक्कत होता, तो मैं गवर्नमेंट के ऊपर एक लांछन लगाता नहीं, हमारा पेट नहीं भर पा रहा है गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा इरफान भाई, आप पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए कोई पैगाम, कोई सवाल भी होता है ना, आपका भी एज ए इंडियन कोई सवाल हो कि जो आप इनके साथ इनसे करना चाहते हो, मुझसे करना चाहते हो? भाई सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा, अमन सबसे बड़ी चीज होती है, अमन और इंसाफ। अगर आप अमन और इंसाफ अपने यहाँ कायम कर ले जाएंगे तो हमें नहीं लगता है कि आप लोगों के लिए कोई दिक्कतें या परेशानियां आएंगी। और दूसरी चीज, आपको ये चीज पता है, हमारे इस्लाम में दो चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से मना किया गया। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आपके यहाँ जो देते हैं ब्याज, ब्याज ब्याज देना और लेना, ठीक है, आपके यहाँ जहां तक हमने सुना है, अपने यहाँ पे सुना है, जैसे आप लोगों ने सुना वैसे हमने भी यहाँ सुना है, क्योंकि वहां पे ये चीजें जो लोन प्रोसेस है या उधारी है, ये सब चीजें कर्ज में डूबा हुआ देश। हाँ बिल्कुल, ठीक है, इन सब चीजों को खत्म, ये कह रहे हैं कि हम जो बाहर के मुल्कों से कर्ज लेते हैं, कभी IMF से कर्ज लेते हैं, कभी अमेरिका से कर्ज लेते हैं, उसकी वजह से हम पीछे जा रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आप बताएं आपका नाम क्या है? साकिब भाई, आपका नाम? असगर अली। साकिब भाई ये बताएं, आप ये इंडिया के मुसलमान हैं, इरफान भाई हैं, और इनके साथ जो उनसे हैं वो दूसरे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यूपी सिंह मौजूद हैं, अब इनसे बात करके कोई सोच बदली है या नहीं? मतलब होता ना कोई थोड़ा बहुत, जैसे आपका पहले कॉन्सेप्ट था कि जुलम जुलम, अब उन्होंने खुद बताया कि कोई जुलम, अच्छा कोई सोच, अब आपको क्या लगता है कि यार जैसा हमें बताया जाता है सच वैसा नहीं है? मीडिया गलत है, ये देखें जी, मीडिया वालों को मैसेज है, जो लोग मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से, जो लोग इंडिया से या पूरी दुनिया से, जहां से भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि अगर मैं अकेला इन लोगों की सोच बदल सकता हूं, इरफान भाई से बात करवा के, यूपी सिंह भाई से बात करवा के, तो आप तो मेनस्ट्रीम मीडिया हैं, आप तो बड़े बड़े चैनल रखते हैं, आप तो बड़ी बड़ी पावर रखते हैं, बड़े बड़े लिंक्स रखते हैं, तो आप क्यों नहीं ये पॉजिटिव जो सा गेस्चर दे सकते हैं, यहां से वहां से आप क्यों नहीं ये पॉजिटिव एफर्ट कर सकते? इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं चाहते ही नहीं, आप चाहते ही नहीं कि रिलेशन बेहतर किया जाए, ये मैं मीडिया को कह रहा हूं। लेकिन अब हम निकल आए हैं मैदान में, इरफान भाई अब हम आपके साथ रिलेशन बेहतर करके रहेंगे, यूपी सिंह भाई आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ बातें और करना चाहूंगा आपसे। जी 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 जी, देखो मेरा मानना है, मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था कि मुल्क कैसे तरक्की करेगा, है ना? जी जी, सॉरी रिपीट करिएगा, मैंने कल ही कहा था कि आपका मुल्क तरक्की कैसे करेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आपका मुल्क तरक्की कैसे करेगा, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि मेरी कल बात हुई थी व्हाट्सएप पे ही। चुप यार, चुप चुप, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता, जी जी जी, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। पहली बात है कि आपका जो मुल्क चल रहा है वो पहला चल रहा है एड पे एंड लोन पे, एड अमेरिका से, लोन चाइना से, तो एड एंड लोन को बायकॉट करिए, पहला काम ये है। मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल, फर्स्ट थिंग ऑफ दिस, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, आर्मी का, आपके यहाँ लोकल आर्मी का जो इंटरफेरेंस है आपकी गवर्नमेंट से लगा के हर,
आर्मी का काम है सीमा की सुरक्षा करना, ना कि उसको देश के अंदर क्या हलचल हो रही है। आपके यहाँ 29 प्राइम मिनिस्टर, मुझे जहां तक याद है 29 प्राइम मिनिस्टर आपके यहाँ हो चुके हैं, मान सकते होंगे शायद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसमें से कितने मार दिए गए आज तक किसी भी एजेंसी ने जांच करके ये नहीं बताया कि वो कैसे मारे गए, तो आपकी कैसी एजेंसियां हैं? पहली बात ये मेरा पहला सवाल। हमें तो यहाँ बताया जाता है हमारी एजेंसी नंबर वन है, हम उस पर फखर भी करते हैं, लेकिन आपने जो सवाल किया है ये एक बड़ा अथेंटिक क्वेश्चन है कि आज तक हमें हमारी बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई, इसके अलावा हमारे इवन अभी रिसेंटली इमरान खान साहब पे अटैक हुआ जो कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो कभी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई, तो वहां से भी थोड़ा सा बंदा सोचता है कि यार वो नंबर वन एजेंसी क्या कर रही है। आप कह रहे हो ना कि मेरी एजेंसी नंबर वन है, 29 प्राइम मिनिस्टर आपके यहाँ अभी तक जिन्ना के पास हुए हैं, जिन्ना साहब को मैं जानता हूँ, मैं तो जानता क्या, पढ़ा उनके बारे में मैंने, मैं मुलाकात तो हुई नहीं क्योंकि उम्र के नहीं थे, लेकिन के बंटवारे आपने कुछ पाया नहीं, खोया है सिर्फ, जो आपको लगा कि बंटवारा दुखी कैसे हो गए, एक आपका एड जो आपका 564 बिलियन का एड था शुरुआत में अमेरिका से, वो अब कितने पे है 5.2 या 1.2 हो गया शायद, वो भी मिलना बंद हो गया है बिल्कुल के बाद से, बिल्कुल है ना, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, तो मिलना वही बंद हो गया। अब लोन पे है, लोन पे सरकार चेंज हुई, सीपेक का बना दे, सीपेक आपको समझ आ रही है। तो वीडियो को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, और इसमें जो जैसे अभी वहाँ पे पाकिस्तान में जो भी लोग हैं उनकी मानसिकता यही है कि मतलब यहाँ पर मुसलमानों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, और हम ये प्रूव करने में लगे हुए हैं कि देखिए जी यहाँ पे तो मुसलमान खूब खुश है, लेकिन यहाँ पे कभी हिंदू ने ये नहीं बोला कि वहाँ पे हिंदुओं के साथ में कैसा भी ये हो रहा है, वहाँ पे तो हाथ पे रखते हैं हिंदुओं को नहीं, तो मतलब ये क्वेश्चन जब जाते हैं और इस तरीके से पूछते तो बड़ा अजीब सा लगता है, इस तरीके जब लोग ये पूछते ना पाकिस्तान के कि वहाँ पे मुसलमान कैसे रहते हैं, तो कभी ये भी सोच लिया करें कि वहाँ पे हिंदू कैसे रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो बढ़िया रहते हैं, यहाँ पे पांचवी इकोनॉमी, पांचवी सबसे बड़ी वो बन चुकी है GDP में, जाहिर सी बात है सब अच्छे रह रहे होंगे, लेकिन वहाँ पे हिंदुओं की दुर्दशा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे 1% बचे हुए हैं पता नहीं, और उनकी बहुत बद से बदतर हालत है, लेकिन कभी कोई इस पे कोई बात नहीं करता, तो मेरा मैं यही कहना चाहूँगी अगर इनके पास में वीडियो जाती है वहाँ के पाकिस्तान के लोगों के पास में, तो प्लीज़ आप जाइए हिंदुओं के घर जाइए और हमें दिखाइए, हम भी बात करना चाहते हैं कि उनके साथ में कैसा बिहेव हो रहा है, ठीक है, हम भी चाहते हैं कि वो किस तरीके से रह रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे पाकिस्तान यहाँ पे मुसलमानों से बात करते हैं कि यहाँ पे कैसे रह रहे हैं, ठीक है, आपको तो पता चल गया कैसे रह रहे हैं, और ये वीडियोस तो चलती रहेंगी, अब हमें भी आप बता दीजिए कि वहाँ के हिंदू कैसे रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, तो आप भी हमारी उनसे बात करा दीजिए, उनकी वीडियोज़ बना के अपलोड कर दीजिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा गलत फहमी पड़ी डली हुई है उन लोगों के अंदर, क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ की जो मीडिया है वो यही चीज़ें फैलाती रहती है, अच्छा यहाँ की मीडिया इस चीज़ को नहीं बोलती, यहाँ की मीडिया को कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हिंदुओं के बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने कभी कोई सुनी नहीं है कोई न्यूज़ इस तरीके से कि यहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया हिंदुओं के बारे में ज़्यादा कुछ बोलती हो, बहुत कभी कभार कोई न्यूज़ आ गई साल में, कभी नहीं बोलते, लेकिन वहाँ की मीडिया बहुत ज़्यादा बोलती, करती कुछ नहीं है मुसलमानों के लिए, बोलती बोलती है बस, क्योंकि उनको बोलने से काम चल जाता है, जरूरत क्या है करने की। तो अब जैसे अभी इन्होंने बात की है तो काफ़ी सारी इनकी गलतफहमी दूर हो गई है, और मैं चाहती हूँ इसी तरीके से बात होती रहे, जिससे कि क्या है कि अगर पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके अंदर जो गलतफहमी है, क्योंकि अभी तो सिर्फ गिने चुने लोगों की गलतफहमी दूर हुई है, वहाँ पर तो 22 करोड़ लोग हैं, तो उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा हर किसी की गलत फहमी है, मेन स्ट्रीम मीडिया अगर वहाँ की इस तरीके की ये जो है अगर इसको चला दे इसी क्लिप को ये जो चल रही है, तो वहाँ पे जो एक साथ जो इतने सारे लोग देखते हैं तो उनके जो माइंड में जो ब्रेन वॉश कर रखा है वो मतलब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उनका काम ही प्रोपेगेंडा फैलाने का है, ठीक है, तो ठीक है, अच्छी वीडियो थी, बताएगा आपको कैसी लगी वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा, अपना रिएक्शन चैनल, गुड बाय।